वेलकम टू टेस्ट कहानी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सिंगापुरियन राइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर रेसिपीज एंड वीडियोज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो टेस्ट कहानी को अभी सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते 3 से 4 नई रेसिपीज इंजॉय करें। सबसे पहले एक सॉस पैन में 1/4 कप ऑयल डालें और शामिल करें 4 जवे बारीक कटे हुए लहसुन के और 4 बगैर बीज की कटी हुई हरी मिर्चें। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। अब फ्राई हुई हरी मिर्चों और लहसुन को निकाल लें और बचे हुए ऑयल को रख लें। अब एक फ्राइंग पैन में 1/2 बचा हुआ ऑयल डालें, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करें और अच्छी तरह फ्राई करें। अब शामिल करें कटी हुई बोनलेस चिकन 500 ग्राम, कवर करके चिकन सफ़ेद हो जाने तक पकाएं। अब शामिल करें नमक 1/2 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। अच्छी तरह फ्राई करें। अब चिकन को किसी बोल में निकाल लें और बाकी बचा हुआ ऑयल पैन में डालें। अब कद्दूकस हुए लहसुन के 2 जव्वे डालें और अच्छी तरह फ्राई करें। 1 कप कटी हुई लाल गाजर शामिल करें। और 1 कप कटी हुई बंद गोभी शामिल करें। अच्छी तरह फ्राई करें। और आखिर में 1 कप कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करें। अब शामिल करें नमक 1/2 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। अच्छी तरह फ्राई करें। अब 1/2 पैकेट उबली हुई स्पेगेटीज का शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करते हुए फ्राई करें। सॉस की तैयारी। 1 बोल में 1 कप मेयोनेज़ डालें और शामिल करें पानी 1/4 कप, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह मिक्स करें और शामिल करें चिली गार्लिक सॉस 1/2 कप, वर्सेस्टर शायर सॉस 1/3 कप, ओइस्टर सॉस 1/3 कप। अच्छी तरह मिक्स करें। अब बारी है सिंगापुरियन राइस तैयार करने की। सबसे पहले सर्विंग डिश में उबले हुए चावलों की 1 तह लगाएं। अब 1 लेयर सॉस की डालें और दूसरी लेयर सब्जियों और नूडल्स की डालें। थोड़ा सा और सॉस डालें और फ्राइड चिकन रखें। आखिर में थोड़ा सा सॉस और डालें और तले हुए लहसुन और हरी मिर्चें छिड़कें। बहुत ही मज़ेदार सिंगापुरियन राइस तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें।